तो क्या करना है आप लोगों को समझ में आ गया कि जितने भी एनिमल्स इस कॉलम में दिए गए हैं 2.1 में, वह किस तरीके से खाना खाते हैं और उनके खाने का प्रकार क्या होता है, क्या वो एनिमल खाते हैं, क्या वो प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, ये दोनों खाते हैं, तो उनको अपन लोगों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करनी है। जैसे स्नेल, स्नेल किस तरीके के खाना खाता है, और जो है मोड ऑफ टेकिंग फूड क्या है, अंट किस तरीके से खाना खाती है और उनका मोड ऑफ टेकिंग फूड क्या है, हमिंग बर्ड क्या करता है और लाइस क्या करता है, मॉस्क्यूटो, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, ये क्या चीज खाते हैं, इनके बारे में आप लोगों को यहाँ फिल करना है टेबल, ये जो आपका ब्लैंक दिया हुआ है इसमें। स्क्रैपिंग, चाविंग एंड सिपनोइंग, कैप्चरिंग एंड स्वेलिंग, स्पॉन्गिंग एंड सकिंग एक्सेट्रा। तो ये पकड़ने, कैप्चर करने, स्वेलिंग करने, स्पॉन्गिंग करने और सकिंग करने के बारे में बताया गया कि किस तरीके से खाते पीते हैं, इनको इसके अंदर आप लोगों को लिखनी है। आगे देखते हैं एनिमल फैक्ट में, सॉरी नॉट एनिमल फैक्ट, अमेजिंग फैक्ट में देखते हैं। अमेजिंग फैक्ट में आप बात करेंगे तो हम बात करने वाले हैं किसकी बेटा, स्टार फिश की। किसकी? स्टार फिश की। स्टार फिश फीड ऑन एनिमल कवर्ड बाई हार्ड सेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जो स्टार फिश होता है वह एक ऐसे एनिमल को खाता है जो कि पूरी तरीके से कवर्ड रहता है हार्ड सेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट के हार्ड सेल से कवर रहता है, ऐसे एनिमल्स को क्या करता है, फीड करता है। कौन? स्टार फिश। आफ्टर ओपनिंग द सेल, आफ्टर ओपनिंग द सेल, सेल के ओपनिंग के बाद द स्टार फिश पॉप आउट इट स्टोमच। जो स्टार फिश है वह पॉप्स आउट होती है इसके स्टोमच थ्रू इट्स माउथ, माउथ के थ्रू बाहर आती है, टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द सेल। तो किसको ईट करने के लिए, सेल के अंदर जो एनिमल्स है, सॉफ्ट एनिमल है, उसको ईट करने के लिए इसके जो पॉप लाइक स्ट्रक्चर है स्टोमच का, वह बाहर आता है माउथ के थ्रू। द स्टोमच देन गोज बैक इन टू द बॉडी एंड द फूड इज स्लोवली डाइजेस्ट। और इसके बाद जो स्टोमच जो बाहर आया माउथ के थ्रू, अब वह अंदर चली जाती है और अंदर चले जाने के बाद जो है वह धीरे धीरे डाइजेशन स्टार्ट कर देती है। देखिए बहुत अच्छी बात बोला है यहाँ, स्टार फिश ऐसे एनिमल्स को खाती जो पूरी तरीके से कवर्ड रहता है कैल्शियम कार्बोनेट से, हार्ड सेल रहता है ये कैल्शियम कार्बोनेट, इससे कवर्ड रहता है। तो जैसे ही आफ्टर ओपनिंग द सेल, जैसे ही सेल ओपनिंग होता है, स्टार फिश जो है अपनी पोप पोप लाइक स्ट्रक्चर स्टोमच का माउथ के थ्रू बाहर लेके आता है और सॉफ्ट पार्ट को एनिमल्स के पकड़ता है, कैप्चर करता है और उसके बाद फिर से अंदर वापस कर लेता है और धीरे धीरे वह स्लोवली स्लोवली उसको डाइजेस्ट कर लेता है। ये स्टार फिश का मैकेनिज्म है। नाउ वी वुड गो एंड डिस्कशन द डाइजेशन इन द ह्यूमन बींग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और शायद आप लोगों को भी समझनी चाहिए कि ह्यूमन बींग पे डिस्कस वो किस तरीके से काम होता है और ह्यूमन बींग किस तरीके से इसको काम कर पाते हैं और कैसा होता है ह्यूमन बींग पे। ओके, वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ। अपन लोग खाना खाते हैं थ्रू द माउथ। चलिए इसको समझने के लिए अपन लोग सीधे सबसे पहले डायग्राम समझ लेते हैं, तो उसमें खुद समझ में आने लगेगा डायग्राम क्या है और उसमें किस तरीके से आप लोगों को डिस्कशन करना है, तो कुछ समझ में आने लगे। इसके लिए मैं आपको सीधे बोर्ड में ले चलता हूं बेटा। ओके, यहां देख पा रहे हैं अपन लोग बोर्ड में हैं। अब इस बोर्ड में देखते हैं कि किस तरीके से जो ह्यूमन बीइंग है वह अपना खाना बनाता है, किस तरीके से खाता है। जैसे दिस इज द ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग। तो मैं यहां लिख देता हूं, ह्यूमन। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन है। अब इसको समझ लीजिए, इसके अलग अलग पार्ट को हम समझ लेते हैं कि कौन सा पार्ट क्या है, उसके बाद आगे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं दूसरा कलर लेता हूं। ओके, इसको पहले मिटा देते हैं। ओके,
देखिए, सो दिस इज द माउथ, दिस इज द माउथ, एंड ये वाली पार्ट बेटा इसको बोला जाता है फेरनेक्स। क्या बोलते हैं? फेरनेक्स, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। और यहां से लेकर के ये यहां तक की ये पूरी पाइप को बोला जाता है एसोफेगस। क्या बोला जाता है? एसोफेगस। और जो आपका ये वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, कौन सा? ये वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यहाँ से ये वाला हिस्सा जो आपका ये दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है क्या? स्टोमच। क्या बोलते हैं? स्टोमच। तो इसको आप लिखेंगे स्टोमच। ओके, ये स्टोमच है। ओके, उसके बाद जो आपका लेफ्ट साइड में दूसरा हिस्सा दिखाई दे रहा है, जिसके मैं अभी बताता हूँ क्या चीज है वो, जैसे कि ये वाला हिस्सा, तो इसको बोला जाता है लीवर। क्या है? लीवर। ओके, और ठीक इसके डाउन टू वर्ड ये वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा होगा, एक मिनट, ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा होगा, ये तो ये है बेटा पैंक्रियाज। क्या है? पैंक्रियाज। ओके, पैंक्रियाज के जस्ट नीचे आप देख पा रहे होंगे दूसरा हिस्सा है। इस दूसरे हिस्से के बारे में मैं बता देता हूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा को बोला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन। तो मैं लिख देता हूं लार्ज इंटेस्टाइन करके, ये है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, ठीक, इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर रहती है, और इस अंदर वाली जो स्ट्रक्चर रहती है, जो कि यहां रहती है, ये गोल इस तरीके से रहती है, राउंडिंग राउंडिंग, इसको बोला जाता है क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। अब आप बुक में देख सकते हैं क्या ऐसा ही स्ट्रक्चर है सबका, तो आप लोग अच्छे से देख पा रहे होंगे। दिस इज द माउथ, दिस इज द माउथ, एंड ये वाला स्ट्रक्चर जो आपके गले में रहता है, इसको बोला जाता है क्या बेटा? ये गले वाला स्ट्रक्चर को बोला जाता है फेरनेक्स। तीसरा स्ट्रक्चर आप देखेंगे यहां से लेकर के यहां तक की जो पाइप है, इसको बोला जाता है एसोफेगस, या हिंदी में बोले जाए तो फूड पाइप बोलते हैं। उसके जस्ट नीचे ये वाला स्ट्रक्चर है जहां खाना इकट्ठा होता है, इसको बोला जाता है स्टोमच। इसके बाद जो है ठीक स्टोमच के बगल वाला ये वाला हिस्सा, इसको बोला जाता है लीवर। और ठीक इसके नीचे जो पत्ती लाइक स्ट्रक्चर होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको बोला जाता है पैंक्रियाज। और जो बाहर जो मोटी वाली स्ट्रक्चर है, इसको बोला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। और इसके बाद जो नीचे वाली हिस्सा है, इसको बोला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब मैं बाकी चीजों को मिटा देता हूँ, आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं, आप लोग लिख लिए होंगे ना, बुक में भी आपको दिया हुआ है क्या है, तो उसमें से आप देख सकते हैं। मैं उसके बारे में कुछ फैक्ट लिखाने वाला हूं आप लोगों को। ओके ओके, अब देखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन है बेटा, एक मिनट, या जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, यह कितना होता है पता है? 6 to 7 meter long। आप देख पा रहे होंगे कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है कहाँ है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ है, यहां से आप देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ है, तो कितना होता है पता है? 6 से लेकर के 7 meter लंबा होता है। और इसी में जो है खाना क्या होती है? पचती है। किसमें? इसी में खाना क्या होता है? पचता है। कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। दूसरा, यदि मैं बात करूं लार्ज इंटेस्टाइन की, जो कि ये है, तो लार्ज इंटेस्टाइन की जो लंबाई है कितनी होती है पता है बेटा? ये होती है 1 to 1.5 meter, मतलब 1 to 1.5 meter के आसपास इसकी लंबाई होती है। अब दोनों को समझ लेते हैं काम क्या है, दोनों का काम क्या है। इसके लिए मैं इसको मिटा देता हूं, जो अपने लोगों ने थोड़ी देर अभी पहले लिखा है, इसको मिटा देते हैं। इसको आप फैक्ट है, इनको आप लिख लीजिएगा, ठीक है? चलिए, इनको मैंने मिटा दिया। आप देखते हैं क्या फैक्ट है इसमें। फैक्ट ये है कि जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, यह आप क्या क्या चीज ऑब्जर्व करती बेटा? यह आपके फूड मटेरियल से, जैसे आपका खाना का पार्टिकल ये है, सपोज आप मान लीजिए ये है राइस पार्टिकल्स, मतलब खान चावल के पार्टिकल है,
इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं? कार्बोहाइड्रेट शामिल है, कार्बोहाइड्रेट शामिल है। इसमें क्या कंटेन है? प्रोटीन कंटेन है, प्रोटीन कंटेन है। इसमें क्या कंटेन है? फैट कंटेन है, फैट है। क्या कंटेन है? विटामिन है, विटामिन है। देन क्या है इसमें बेटा? मिनरल्स है। तो ये सारे चीजें इसमें शामिल रहती हैं। लेकिन ऊपर के जो तीन चार हैं, कौन कौन से? यहाँ से लेकर के स्मॉल इंटेस्टाइन द्वारा कार्बोहाइड्रेट का ऑब्जर्व किया जाता है, प्रोटीन ऑब्जर्व होता है, फैट ऑब्जर्व होता है और विटामिन ऑब्जर्व किया जाता है। किसके द्वारा? इस छोटे वाले पाइप के द्वारा जो अंदर बनाई गई स्ट्रक्चर है, इस पाइप के द्वारा इन चार चीजों को ऑब्जर्व किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट को ऑब्जर्व किया जाता है, प्रोटीन को ऑब्जर्व किया जाता है, फैट को ऑब्जर्व किया जाता है, विटामिन को ऑब्जर्व किया जाता है। आप बोलोगे सर फिर आप ये बताइए कि फिर लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है? तो लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन भी ऑब्जर्व करता है चीजों को, लेकिन वो दो ही चीजें ऑब्जर्व करता है। अब वो दो चीजें कौन कौन सी है मैं आपको बता देता हूँ। लार्ज इंटेस्टाइन दो ही चीजें ऑब्जर्व करता है, उन दो चीजों में शामिल है वाटर को ऑब्जर्व करता है, H2O को ऑब्जर्व करता है, प्लस मिनरल्स को ऑब्जर्व करता है। कौन? लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, ये दो चीजों को लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? ऑब्जर्व करता है। लार्ज इंटेस्टाइन ये दो ही चीजों को क्या करता है? वो ऑब्जर्व करता है। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं और बुक में आ जाते हैं।